हम ऑडियंस को ऐसा कंटेंट चाहिए जिसे देखते वक्त इस लेवल तक उस सीरीज में घुस जाओ कि आसपास की कोई भी काम दिखाई ना दे। वो सीरीज ऐसी होनी चाहिए कि फर्स्ट एपिसोड से ही आपकी एक्साइटमेंट लेवल को पीक पर ले जाए और उस सीरीज का इम्पैक्ट इतना गहरा हो कि आपके दिमाग में हमेशा रह जाए। तो आज के रिव्यू में हम ऐसे ही टॉप 7 ओनली बेस्ट मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज लाए हैं जिसके कॉन्सेप्ट में दम होगा। और खुशी की बात है, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कुछ बोनस सीरीज को बताएंगे जो हमेशा की तरह इस लिस्ट से भी एक लेवल ऊपर होगा। तो बोनस सीरीज को कभी भी मिस मत करिएगा। ऐसे ही क्वालिटी कॉन्टेंट हम आप तक ढूंढ कर लाते रहते हैं, बस आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। तो चलिए कॉन्टेंट देखने का एक्सपीरियंस को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। नंबर 5 की सीरीज, अगर आप सुपर हीरो पे बेस सीरीज देखना पसंद है तो ये टीनेज यंग सुपर हीरो सीरीज आपको एवेंजर वाली एक्सपीरियंस करा सकती है। no, there ain't no stopping us. 2018 की टोटल 3 सीजन साइफाई एक्शन सुपर हीरो के साथ डीसी की टाइटंस सीरीज की स्टोरी, हर एक सुपर हीरो के पास अपना अपना एबिलिटी और सुपर पावर है। बात करें सीरीज की सबसे बेस्ट पार्ट की तो इसके डार्क कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और भी इम्पैक्टफुल बनाते तो सीरीज और भी अच्छा होता, पर कोई बात नहीं, वन टाइम मस्ट वॉच है। डीसी की हमेशा से एक ही कमी रही है, अपने कैरेक्टर से हम ऑडियंस को मार्वल की तरह इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं करा पाती। अगर आप सुपर हीरो सीरीज में नए हैं तो एक ट्राई जरूर दीजिएगा इस सीरीज को। सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 4 की सीरीज, यार हर किसी के लिए नहीं, अगर आप में पेशेंस वाली बात है और दिमाग को थोड़ा जोर देकर एक मर्डर को सॉल्व करना चाहते हैं और ऐसी सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए। नेटफ्लिक्स की तरफ से हाल ही में रिलीज किया गया 2021 की क्राइम सस्पेंस के साथ द अनलकी मर्डर। एक ऐसा दुनिया की सबसे अनलकी मर्डर को सॉल्व करने की कहानी। ये सीरीज को ये समझकर मत देखिएगा कि इसमें भर भर के सस्पेंस और ट्विस्ट होगा। हमने शुरुआत में ही बताया था, ऐसी सीरीज देखना पसंद है तभी देखिएगा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट और इसके पेशेंस को पार कर इस सीरीज को एक्सपीरियंस करना सबकी बस की बात नहीं। धीरे धीरे करके एक एक स्टेप आपको आगे ले जाती है। सीरीज को एक ट्राई देकर देखिए। नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 1 की सीरीज के अगर तीनों सीजन देख लिए तो आपको एस्ट्रोनॉट बनाकर छोड़ेगी। एटलीस्ट स्पेस में वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में कैसे सरवाइव करना है ये आपको अच्छी तरह से सिखा जाएगी। नेटफ्लिक्स की तरफ से ब्लॉकबस्टर सीरीज स्पेस एडवेंचर टोटल 3 सीजन के साथ लॉस्ट इन स्पेस, इस सीरीज को एक ट्राई देकर देखिए। नंबर 3 की सीरीज, एक ऐसी मैजिकल फैंटेसी दुनिया में जाना चाहते हैं जो इस दुनिया से परे है, जिसमें काला जादू, मैजिक, डायन, दानव और खतरनाक चुड़ैल देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। 2017 की फैंटेसी मैजिकल एडवेंचर के साथ इमराल्ड सिटी। एक ऐसा बवंडर जो इस दुनिया से आपको उस मैजिकल वाली दुनिया में ले जाएगी जहाँ सिर्फ राज चलता है कुछ चुड़ैलों की और एक शक्तिशाली राजा की। कैसे इस दुनिया की लड़की उस दुनिया में जाकर सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनती है, नो डाउट सीरीज के कॉन्सेप्ट में दम है। आपको इंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, बस ये सीरीज अपने कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ा और भी इम्पैक्टफुल बनाती तो ये सीरीज मेरे लिए कोई सरप्राइज से कम नहीं होता। एग्जाम्पल से बताए तो इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसपोर्ट होने का कॉन्सेप्ट थोड़ा और भी एक्सप्लेन करता तो और भी अच्छा होता, शायद इसके लो बजट की वजह से। बाकी ये सब ध्यान में रख कर देखिएगा तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट मैजिकल फैंटेसी सीरीज हो सकता है। और खुशी की बात है, ये सीरीज हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा इस सीरीज को। नंबर 2 की सीरीज, मार्वल की तरफ से सुपर हीरो पे बेस सीरीज हो तो वो सीरीज की डायरेक्शन के बारे में पूछिए मत, आपको सिनेमेटिक एक्सपीरियंस कराएगी। डीडी प्लस हॉटस्टार की तरफ से 2021 की एक्शन फ्रिक्शन के साथ मार्वल की हॉकाई। स्टोरी थैनोस की चुटकी की बात की है, ये सीरीज यानी केट विट्सन और फीमेल होकाई यानी केट विट्सन पे फोकस्ड है। सीरीज के कुछ मिनट एवेंजर की फाइट की सीन को दिखाया गया जहां से हमारे फीमेल होकाई को इंस्पिरेशन मिलता है उसके जैसे बनने का। नो डाउट स्टोरी मार्वल की तरफ से लिखी गई है तो अच्छा होगा ही और इसमें कोई शक नहीं, सीरीज हमें इंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बस हमको एक ही बात खटका, जिसने पूरी दुनिया को बचाया उसके उस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं मिलता, ये तो मजाक हो गया। बाकी नो डाउट सीरीज अच्छी है। इस सीरीज के हर हफ्ते एक एक एपिसोड डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया गया है, अब तक टोटल 5 एपिसोड डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया गया है। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 2 की सीरीज, यार फर्स्ट एपिसोड से ही ये सीरीज आपको फील कराएगी कि ये सीरीज में था मैं कुछ नया और खतरनाक जरूर दिखाएगा।
नेटफ्लिक्स की द वीचर के बाद अगर उस लेवल का कोई सीरीज देखने को मिला है तो वो है बोनस नंबर वन की सीरीज। इस सीरीज ने तो हमारी सोच बदल कर रख दिया कि इतना इंपैक्टफुल सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स ही बना सकता है। अमेजन प्राइम वीडियो की अब तक की सबसे जबरदस्त सीरीज 2021 की एक्शन फैंटेसी एडवेंचर के साथ द व्हील ऑफ टाइम। सीरीज के हर हफ्ते एक एक एपिसोड अमेजन प्राइम वीडियो पे रिलीज किया गया। अब तक इसमें टोटल 7 एपिसोड रिलीज हो चुकी है। सीरीज को मिस मत करिएगा, एक ट्राई देकर देखिए, मजा आ जाएगा। नंबर वन की सीरीज, यार ऐसी सीरीज के लिए नेटफ्लिक्स हम ऑडियंस को एक साल का भी सब्सक्रिप्शन एक बार लेने बोले तो हम ऑडियंस खुशी खुशी ले लेंगे, जिसके सेकेंड सीजन के लिए हम जैसे कंटेंट लवर 2 सालों से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की तरफ से जबरदस्त सुपर हिट फैंटेसी एडवेंचर के साथ द वीचर सीजन 2। ऐसी सीरीज के बारे में क्या बता जिसने हर एक सीन हमको हिप्नोटाइज करके रखा। ऐसी सीरीज को देखते वक्त आपके रोम रोम बोले कि इसे कहते हैं हर एक एंगल से सुपर डुपर मास्टरपीस परफेक्ट सीरीज। ऐसी सीरीज का सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ही काफी है आपको सिनेमेटिक एक्सपीरियंस कराने के लिए। और नेटफ्लिक्स की तरफ से इसके हिंदी डबिंग आपको एक पल के लिए भी फील नहीं होने देता कि ये डब किया गया है। ऐसी सीरीज को अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो भाई आप बहुत कुछ मिस किए हैं। अगर आपने इसके फर्स्ट सीजन नहीं देखा तो पहले उसे देखिए, फिर सेकेंड सीजन को। मेरा यकीन मानिए, आप सेलिब्रेट करिएगा। सीरीज दोनों सीजन हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। ऐसे ही कॉन्टेंट हम आप तक ढूंढ कर लाते रहते हैं, पर आप लोग वीडियो देख कर बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो, ये गलत बात है। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, take care.